आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आज प्रस्तुत है योग के साथ में आहार, हमारी डाइट क्या होना चाहिए, इन दोनों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। जो बेसिक व्यायाम है उसको हमने पुस्तक के संस्मरण भी प्रस्तुत किए हैं और अंत में हमने योग को किस तरीके से किया जाता है, योगिक क्रियाओं को, आसनों को, ध्यान को और प्राणायाम को, वह भी सिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो के माध्यम से आप आहार के साथ में, वजन के साथ में स्वस्थ रहने के भी सूत्र सीख सकेंगे, यह प्रयास है। और यह वीडियो आज योग दिवस के दिवन चिकित्सा संसार की ओर से हमारे समस्त पाठकों को एक बहुत अच्छा उपहार है। इसका जितना बार बार देखेंगे, जितनी बार बार पालन करेंगे, उतना ही उनके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में योगिक क्रियाओं से हम शुरू। योग दिवस पर 30 मिनट का अभ्यास। सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम के बाद दोनों पैर मिले हुए हैं और हाथ आगे करके स्ट्रेस इस क्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं। 45 डिग्री पर पूरी बॉडी एक लाइन में हो, दोनों पैर मिले हों। इसके बाद में दोनों पैरों को पीढ़ी पर खड़े होकर के और पूरा हाथ ऊपर आसमान को छू रहे हैं। कल हमारे करतल दोनों बाहर की तरफ, तिलियां बाहर की तरफ। क्रिया को पैर तान कर श्वास लेना, श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से कम 10 बार प्रयास करें। इसके बाद में आँखों के व्यायाम। आँख इस तरीके से चारों तरफ घुमाएं, कर्ण अंगूठे को लेकर के कम से कम 5 से 10 बार लेफ्ट और फिर राइट। इसके बाद में नासिक इसके बाद नाक का व्यायाम करेंगे। नाक बंद करके और फिर श्वास ले और फिर उसको छोड़ दें। नाक बंद करके श्वास लें, खींचे और उसको छोड़ दें। इसके बाद हम आते हैं गर्दन के व्यायाम। गर्दन नीचे ऊपर से कम 10 बार, दाएं बाएं, हल्के हल्के, दाएं बाएं। ये चार तरह के गर्दन के लिए हैं। गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएं, लोग बगैर झटके दिए हुए तरफ, दाएं फिर बाएं, दाएं फिर बाएं। कान से कंधे को छूने का प्रयास करें, फिर गर्दन को घुमाएं एक तरफ, लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट फिर राइट। पूरे नहीं घुमाना, लेफ्ट ले जाना है, फिर वहीं पर स्टॉप करके फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। लेफ्ट राइट तरीके से कम 5 से 10 बार किया जा सकता। इसके बाद में कंधों के व्यायाम। कंधों को छोड़ करके, ढीले करके इस तरीके से एक्सरसाइज करें। कंधे का दूसरा व्यायाम
था, दूसरा है हम उन्हीं को घुमाए राउंड क्लॉक एंटी क्लॉक, कम से कम एक बार विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार दूसरे हाथ से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, हर बार प्रक्रिया कम से कम 10 बार होना चाहिए, 5 से 10 बार जैसा सुविधा अनुसार हो। अब दोनों हाथों इसके पश्चात दोनों हाथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके बाद में हम आते हैं कंधों का व्यायाम। पेट का व्यायाम 90 डिग्री पे जोड़ करके एक तरफ से सांस पेट को दबाए, सांस ले और छोड़े दूसरी तरफ, इसी तरीके से तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, इस तरीके से सांस को ले और छोड़े। सीने का व्यायाम दूसरा का, हाथ को पीछे की तरफ ले जाए, सीने बाहर सांस लेते हुए अंदर सांस छोड़ते हुए, इस तरीके से जितना पीछे जा सकते हैं दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाए, खींचे सीना बाहर की ओर, हाथ लेते हुए पीछे जितना जा सकता है सांस लेते हुए ऊपर ले जाए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आए। कम से कम 5 बार प्रक्रिया को दोहराया जाए। फिर हमारे कमर के व्यायाम, इतना झुक सकता है हमारे शरीर को झुकना है, जितना झुक सके, दोनों हाथ को सामने तक इतना पीछे घुमाए जितना ले जा सके, फिर आपके जमे हुए बॉडी को जितना ले जा सकते हैं।
तरफ दाएँ और एक तरफ बाएँ, दोनों हाथों आप ये आगे और पीछे ले जा सके। कमर का कमर को घुमाएं, सीधे खड़े हुए करके केवल कमर को घुमाते हुए 10 बार लेफ्ट 10 बार राइट इस तरीके से करें। एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेते हुए ऊपर ले जाए, श्वास को रोकते हुए नीचे रखे, फिर आप श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए फिर पूरे दोनों अंगूठे को छूने का प्रयास करें, श्वास को रोक के रखें, श्वास छोड़ते हुए वापस फिर इस तरीके से कम से कम 5 बार। इसके पश्चात नौके वे नौके पर 90 डिग्री पर ऐसा बैठे, नौ को घुमाएं राउंड क्लॉक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी दाईं ओर और बाईं ओर। इसी प्रकार अब हम जो कि व्यायाम करेंगे, दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं, उठा ले जाके फिर वापस पंजों के बल दोनों बेड़ियों को मिलाते हुए इस तरीके से पूरे बदन को थोड़ा करते हुए से 20 बार इसको इस व्यायाम को किया जा सकता है। इसके पश्चात हम पंजों का व्यायाम जो कि बल जो ऊपर करें और पंजों के बल क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज इसके बाद में हम बैठ करके करने वाले आसनों के बारे में देखते हैं।
दोनों पैरों को छूने का प्रयास करें, घुटने मुड़े नहीं। पैर से पैर को छूने का प्रयास करें, पहले लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से आसन को करने की कोशिश करें। इसके बाद में चक्की चलाने जैसा, चक्की पूरी दोनों पैरों को चौड़ा कर ले, जितना चौड़ा कर सकते हो, फिर पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे दोनों हाथों वो बांधे हुए बाहर की तरफ खोलते हुए दोनों पंजे एक दूसरे में फंसा करके इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आसन को करें। आसन की ओर चलते हैं, घुटनों पर बैठ जाए, पैर जो है पंजों के बल बैठना है, दोनों हाथों को पीछे ले जा करके और एड़ी को छूने का प्रयास करें। शवासन की मुद्रा में लेट जाते हैं, पूरे शरीर को करके पंजे हाथ के हथेलियां ऊपर की तरफ बाहर की तरफ ले हुए, श्वास रोक करके सामान्य श्वास के माध्यम से ऐसे लेटे रखें, शवास शव की मुद्रा में उसके शवासन। फिर हम एक हाथ पीछे ले जाते हुए पैर को फिर दाएँ पैर फिर बाएँ पैर इस तरीके से हाथ ऊपर ले जाते हुए दोनों पैर हाथ पीछे ले जाते हुए नौकासन, नौका की तरह अपने शरीर को करें, पैर उसको ले जाएँ, पैर को लेकर के इस तरीके से लेकर के नाक से छूने का प्रयास करें, दाएं पैर को और बाएं पैर को दोनों पैरों को करते हुए कम से कम 5 बार करें, दाई और बाई ओर। साइकिल की तरह दोनों पंजों को मिला करके क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कम से कम 10 बार लेफ्ट 10 बार राइट। हम आते हैं साइकिलिंग को, दोनों पैरों को मिलाते हुए घुमाएं,
साइकिल की, जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे। देखो क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग को 90 डिग्री पर ले जाएं, फिर छोड़ें 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, अर्धशीर्षासन की तरफ पढ़ते हैं। दोनों हाथों पर एक बाया पैर ऊपर की तरफ, दाहिना पैर उठाते हुए, बाया पैर आगे की ओर, हाथ आगे की ओर, पैर उठाएं। दोनों पैरों को पंजों को पकड़ते हुए और अपने पूरे शरीर को खींचने की कोशिश करें। सामान्य अवस्था में लेट जाए इसको। बैठकर करने वाले प्राणायाम की ओर पढ़ते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका, सांस को बाहर की तरफ छोड़े, धड़कन की तरफ कितनी बार छोड़ सकते हैं। बाहर छोड़ें, सांस बाहर छोड़ें, पेट अंदर की ओर थोपने की तरह। श्वास अंदर लें, 1 2 3 4 5, एक नाक बंद रखें, फिर दोनों एक नाक बंद रख करके श्वास लें, दूसरी नाक से श्वास लें, श्वास फिर दोनों नाक बंद रखें, फिर दूसरी बाईं ओर से श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7, श्वास लें 1 2 3 4 5, रोके 1 2 3 4 5, वो छोड़ने की गति 1 2 3 4 5 6, श्वास इस तरीके से हमारी अंगूठा तर्जनी इस तरीके से हमारी मध्यमा उंगली जो है, दोनों उंगलियाँ पास लें, व्यायाम तो श्वास लें तेजी से, हमारा पेट भी खुला हो और श्वास छोड़ते हुए
देखिए, श्वास लेते हुए पेट फूले, पहले पेट से इसमें श्वास भरे, फिर मुंह में भरे, एकदम मुंह भी फुला हुआ, पेट भी फुला, फिर छोड़ते हुए मुंह से छोड़ते हुए पेट को खाली करें, पेट से श्वास करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 बार 2 3 4 5 बार, फिर श्वास लें, श्वास छोड़ दे, पेट को अंदर लेते हुए गर्दन को सीने से छुएं, ऐसा सीने से छुएं, चिप, ऐसा कम से कम 5 बार करें। श्वास अंदर, पेट अंदर, और हमारा गर्दन जो है वो सीने से लगी हो, कम से कम 5 बार। आते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। इसके अगला कदम, दोनों आंखें बंद, नाक बंद, मुंह बंद, और ये श्वास लें और मुंह से, और फिर नाक से गुन भोरे जैसी आवाज निकालते हुए नाक को छोड़ें। अंतिम चरण की ओर ध्यान है, श्वास लेते हो की ध्वनि लें, श्वास अंदर लेते हुए ओम, श्वास छोड़ते हुए माँ। हमारा ध्यान मस्तिष्क में हो, मस्तिष्क में ओम लिखा हुआ महसूस करें। इसी तरीके से इस आसन को करें, ओम, ये ध्वनि को रोकते हुए अनिमन श्वास देते हुए ओ अंदर, श्वास छोड़ते हैं माँ बाहर। इस प्रक्रिया को भी 5 बार करें, फिर केवल श्वास को लेते हुए ये ध्यान रखें कि हमारे मस्तिष्क पर ओम लिखा हुआ ओम ध्वनि को ओ श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो माँ, ध्यान पूरा मस्तिष्क पर हो, ओम लिखा हुआ महसूस करें। इस क्रिया के बाद में हम अनुभव करें ज्ञान का प्रकाश, हमारे पूरे हमारे मस्तिष्क में समा गया है, ज्ञान का प्रकाश हमारे दोनों बाहों में समा गया है, ज्ञान का प्रकाश हमारे सीने में समा गया है, ज्ञान का प्रकाश हमारे दोनों पैरों में समा गया है, ज्ञान का प्रकाश पूरे वातावरण में आप तक है। ज्ञान के प्रकाश को अनुभव करें, और ज्ञान के इस प्रकाश को दिन भर बनाए रखना है हमारा कर्तव्य है। ये हम इस तरीके से प्रार्थना करें, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग बेटर। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा है, प्रत्येक वस्तु का उपयोग ऐसे करें जैसे परमात्मा द्वारा गिफ्ट में दिया गया है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज बेटर। आंखें बंद रखे हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए परमात्मा को दोनों हाथों को हम इस तरीके से वार्म अप करेंगे और आंखों से लगा करके और